क्या है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी जिला में रहती हूँ जोगिंद्रनगर में, तो मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जोगिंद्रनगर। मेरे पापा का नाम है विनोद कुमार, मेरी मम्मी का नाम है गोदा देवी और मेरे भाई का नाम है विक्की। और मैं स्टडी करती हूँ और मैं स्टडी के साथ डांस भी करती हूँ। मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब शौक था कि मतलब मैं डांस में जाऊँ, मतलब कि मैं सबका नाम रोशन करूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी जिला का नाम रोशन करूँ, जोगिंद्रनगर का नाम रोशन करूँ। तो मैं पढ़ाई के साथ स्टडी भी करती हूँ, स्कूल में सब मेरी तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा, भी अच्छी है ये पढ़ने में भी और डांस में भी बहुत अच्छी है। और मेरे घर वाले भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, भाई स्टडी भी करो डांस भी करो, और मेरे भाई भी और मेरी भाभी भी बोलती है डांस करो स्टडी भी करो साथ में, और मेरी सिस्टर भी बोलती है डांस करो स्टडी करो अच्छे से पढ़ो अच्छे से मतलब कुछ बन जाओ। बच्चा रहता था, उसकी माँ पहले से ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन वह बच्चा बहुत अकेला था। एक दिन उसको एक बूढ़ी अम्मा मिली, वो कहने लगी भी बेटा चलो मेरे साथ, पर वो बोला दादी माँ मैंने किसके साथ जाना, मेरा ना कोई आगे है ना मेरा कोई पीछे है। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने इतना कहा पर वो लड़का बूढ़ी अम्मा के साथ चल पड़ा, क्यों बल्कि वह उसका घर भी नहीं था लड़के का, लड़के तो घर भी नहीं था ना मतलब कि, तो जैसे कि उसका घर नहीं था वो बूढ़ी अम्मा के साथ अम्मा के घर में चले गया था। लेकिन वो जब बूढ़ी अम्मा के साथ घर गया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा तुमने खाना खा ली है क्या, नहीं खाया है। लेकिन लड़का कहता अम्मा मैंने खाना नहीं खाया है। फिर वो बूढ़ी अम्मा उसको खाना देती है चावल और दाल के साथ, तब वो लड़का बोलता है अम्मा आपने क्या खाना खा लिया, पर बूढ़ी अम्मा बोलती है बेटा मुझे भूख नहीं है। उस लड़के ने पूछा क्यों नहीं है भूख, उस लड़के ने पूछा भूख क्यों नहीं है, पर उसी दादी बा ने कहा लेकिन बेटा मैंने तो पहले ही खाना खा लिया है। उस लड़के ने खाओ खाओ अम्मा मेरी कसम, तो अम्मा बोलने लगी बेटा मैं कसम नहीं खाती हूँ। स्कूल में फंक्शन होता है तो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ हर में, जैसे कि टूर्नामेंट वगैरह कुछ भी हो तो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ स्कूल में। सभी टीचर मेरी डांस की तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा। Thank you.
28,000 कैंडिडेट हुए थे। नंबर 4, साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने गूगल प्लेटफॉर्म से हटाए 2,200 ऐप। अब कुछ खेल समाचार। अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल मैच रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। धन्यवाद। बर्फबारी बारिश के बाद मौसम भी सुहाना हो गया है तो सभी अच्छे होने चाहिए। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह? सबकी अच्छी चल रही है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज हमें बड़ी अच्छी खुशी के पल है कि हमारे बीच में आज डीडी पंजाबी ये टीवी चैनल है, इसकी जो टीम है आज हमारे बीच में है। तो हमारी तीन बेटियों ने इसमें कितना है, एक इनका सीरियल है, उसका डांस कॉम्पिटिशन है, उसके फाइनल राउंड में पहुंच गई है। इसमें पलक, मीनाक्षी और रितिका। तो इन बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं कि फाइनल में कंपटीशन में भाग लेंगे। और डीडी पंजाबी की पूरी टीम का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हिमाचल में यहाँ गर्ल्स स्कूल जोगिंदर नगर में इन्होंने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया अपनी प्रतिभा को दर्शाने का। तो बहुत ही बढ़िया मौका इन बच्चों के लिए, एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिला है और आगे भी बच्चे मेहनत करेंगे तो और ऊंचाइयां छुएंगे। और डीडी पंजाबी का भी धन्यवाद जो बच्चों के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि जब कभी किसी को आगे निकलना तो उसके लिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है और गाइडलाइंस का होना जरूरी है कि कौन चीज कब कैसे करनी है। तो इनकी पूरी टीम जो पंजाब से स्पेशली हमारे स्कूल के बीच में आई है तो इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे बच्चों की तरफ से और इनका स्वागत भी करते हैं। तो तीनों बेटियां आपके सामने खड़ी है, पलक आवाज खड़ा करेंगे बेटी, पलक, मीनाक्षी और रितिका। तो इन तीनों बच्चों ने डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया था पहले, आपके फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरे स्कूल परिवार की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी बढ़िया से परफॉर्म करेंगे। जय हिंद जय भारत।
नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनील ठाकुर, प्रधानाचार्य आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंदर नगर। मीनाक्षी हमारे स्कूल की बेटी है, ये हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, खासकर नाच गाने की तरफ इसका बहुत शौक है, तो स्कूल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। साथ ही साथ पढ़ाई में भी ये बढ़िया है, अव्वल है, तो हम सभी पाठशाला परिवार की तरफ से इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अभी जो ये किसमें कितना है दम के चार राउंड क्लियर कर चुकी हैं और फाइनल राउंड के लिए हमारी तरफ से इसको शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद जय। मैं श्री वरुण बंसल जी, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर किसमें कितना है दम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जो गाँव के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए मंच प्रदान कर रहे हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं, तो हम सभी स्कूल परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंचल कुमारी और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंदर नगर में बतौर गणित की अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल की एक छात्रा मीनाक्षी, इसका चयन किसमें कितना है दम में सिलेक्शन हुआ है। चार राउंड इसने क्लियर कर चुकी है और ये पाँचवें राउंड में पहुँच गई है और इसके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। धन्यवाद। यह बच्ची जो है समय समय पर स्कूल में जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें समय समय पर हिस्सा लेती है और उसमें काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर रहती है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं स्कूल परिवार की ओर से। कौन सी है?
मैं घर का काम भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब कि मम्मी के साथ काम भी करती हूँ बहुत ज़्यादा, मम्मी की हेल्प करती हूँ मैं, और स्कूल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। सर भी पूछते हैं भाई आप घर में क्या क्या करती हो, मैं तो सर मैं सब कुछ काम करती हूँ, मैं खाना बनाना सब कुछ कर देती हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती है सब काम सीखना चाहिए और कल को काम में आएगा। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, फ़ोन में भी देख के डांस करती हूँ और टीवी भी देख के डांस करती हूँ मैं स्टडी भी साथ में करती हूँ और डांस भी करती हूँ मैं। नमस्कार जी, मैं विनोद कुमार जोगिंद्र नगर गांव सेरी से बोल रहा हूँ। मीनाक्षी मेरी बेटी है और ये स्कूल में जाती थी और पढ़ती थी, घर का काम भी करती थी और टीवी से गाने बजाने का कब देखती रहती थी और नाचती रहती थी। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि ये KKST में 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुँच गए। आगे हम दुआ करते हैं कि आगे भी जीत कर हमारा और हमारी फैमिली का नाम मशहूर कर। सर जैसे हम ड्यूटी से घर आते थे तो आते को बच्चा हमारे को चाय के लिए पूछता था, खाने के लिए पूछता था और टीवी में नाश्ता था घर तब जाता था। स्कूल वाले सारे ही टीचर बोलते थे कि नहीं ये बच्चा जो है वो घर तब जाता और अच्छा काम करता। स्कूल में भी सर जाती थी, स्कूल में वहाँ भी
पढ़ाई करती थी और जैसे बीच बीच में इसको टाइम मिलता था तो वहाँ भी स्टडी करती रहती थी। बीच में सारा स्टाफ ही इसकी बहुत तारीफ करते थे कि अच्छा पढ़ने को भी ठीक है और गाना बजाने को भी ठीक है। जब भी क्योंकि स्कूल में सर कोई फंक्शन होता था तो सबसे पहले ही ये स्टेडियम में चले जाती थी। वहाँ पे सबसे पहले ये बोलती थी मैंने गाना बजाना स्टार्ट करना है। अब ये सर फाइनल में पहुँच चुकी है, हमारे को बहुत ही बहुत खुशी है। सर फाइनल जीत के आई और हमारी फैमिली का और पूरे रिश्तेदारों का नाम ऊंचा करे। मीनाक्षी मेरी बेटी है जी, तो मेरा नाम गोदा है जी। ये स्कूल भी जाती है, ड्यूटी से भी आती है, चाय पानी के पूछती है, खाना भी खा लो, फिर आके अपना थोड़ी पढ़ाई भी कर लेती है सर जी। ऐसी बात है, हम बोले बेटे पढ़ो, कुछ आगे बढ़ो, माँ बाप का रोशन ना करो और सारी दुनिया दुखाव बन के दिखाओ जी। अपने पापा के साथ बैडमिंटन खेलती है जी, सुबह उठ के मंदिर भी जाती है जी और भगवान का नाम भी लेती है कि भगवान मुझे अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा पढ़ूँ मैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। रसोई में सारा काम कर लेती है, खाना बनाना बना लेती है, सब कुछ कर लेती है। हाँ जी, ब्याह शादी में जाती है, अपने घर थोड़ा सा फंक्शन हो जाता है तो डांस करती है, रिश्तेदारी भी आते हैं, बोलते हैं अच्छा बहुत अच्छा डांस करती है जी। मेरी बेटी फाइनल में पहुंच चुकी है जी, मैं भगवान से दुआएं करती है फाइनल में जीत के आए, पूरे पूरे जुगनानगर का नाम रोशन करे। धन्यवाद।
है। मीनाक्षी बुआ मेरे साथ बैडमिंटन खेलती है और बहुत अच्छी है। ये पढ़ाई में भी बहुत रुचि रखती है और डांस में भी रुचि रखती है। मुझे स्टडी भी करवाती है और मुझे अच्छी बातें भी सिखाती है। मैं भी डांस करता हूँ थोड़ा बहुत, वो मुझे सिखाती भी है। और ये अब KKHD में फाइनल में पहुँच चुकी है। मैं यही रब से प्रार्थना करता हूँ ये फाइनल में जीत के आए, हमारा और हमारी फैमिली का नाम रोशन करके आए। धन्यवाद। KKHD वाले, उन्होंने बोला जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरा पहला राउंड हुआ माउंट मौर्या में और दूसरा राउंड हुआ DAV स्कूल और तीसरा राउंड हुआ मंडी में, चौथा राउंड भी मंडी में हुआ और मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूँ अब तो। मेरे को घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूँ, मैं जीत के आऊँ, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूँ और मैं अपने हिमाचल का नाम रोशन करूँ, मैं जोगिंद्रनगर का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। Thank you.
थैंक्स करती हूँ KKHD वालों का जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।